नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं और इसका जो नया सिलेबस आया है उसमें फिर से चेंज हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इसका सिलेबस आया था, उसके बाद में सिलेबस में आज फिर बदलाव किया गया है। तो क्या इसका सिलेबस है और कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, एक एक चीज़ पर डिटेल में बात करेंगे। शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, अब जो सिलेबस आपके सामने है ये है जो नया सिलेबस आया है। और अभी जो कुछ दिन पहले आया था तो उसमें इस बीच वाले पोर्शन में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर, इसमें 45 क्वेश्चन थे। अब उन 45 में से 10 क्वेश्चन हटा करके और एक ये नया पोर्शन और ऐड कर दिया गया है, नॉलेज अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजंस रूल्स रिलेटिंग टू इट। सम रेफरेंस मटेरियल इज अवेलेबल ऑन डिपार्टमेंटल वेबसाइट आल्सो। यानी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उनके लिए जो बने हुए रूल हैं, तो जैसे महिलाओं से जुड़े हुए कई नियम हैं, बच्चों से जुड़े हुए कई नियम हैं, कई रूल हैं, कई लॉ हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं इसमें। और उसके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे। साथ में इन्होंने ये लिखा है कि कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनकी जानकारी आपको इनकी पुलिस की वेबसाइट से ही मिल जाएगी, जहाँ से हमने ये डाउनलोड किया है PDF, उसी साइट पर जो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है उसी पर ये जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाएगी। तो 150 क्वेश्चन है वही और एक क्वेश्चन आधे अंक का है, यानी 150% और 75 मार्क्स के। रीजनिंग, लॉजिक एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो इसके लिए आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 30 नंबर हैं। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर 35 क्वेश्चन हैं और 17.5 नंबर। बाकी ये तीसरा पोर्शन भी हमने देख लिया, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर। और लास्ट वाला जो पोर्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर एंड आर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान से संबंधित है पूरा। और इसके आपके एग्जाम में आएंगे 45 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ इस YouTube चैनल पे राजस्थान का मैटर बहुत है, चाहे करंट हो, चाहे जनरल नॉलेज या साइंस से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से लाभदायक होंगे वो। और इसके साथ ही देखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 25% मार्क्स जो हैं वो उसमें से कट हो जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो ये है आपका नया सिलेबस, ये आप देख लीजिए इसमें। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पोर्शन के बारे में, जिसमें से आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग, लॉजिक, तो इनके लिए देखिएगा आप, एक माथुरिया की किताब आती है और उसके साथ ही RS अग्रवाल की पुस्तक है, वो आप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी ठीक है किताबें, आपको अगर आपके पास ऑलरेडी है किताब तो कोई नई की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप लेते हैं तो आप इनमें से कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, अब कंप्यूटर के लिए लूसेंट की किताब आती है, मुझे सही लगी वो लूसेंट की बुक, तो आप इसके लिए लूसेंट की किताब ले सकते हैं। या अदर कोई भी कंप्यूटर की पुस्तक अगर आपके पास है तो कोई इसमें ऐसा आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी पुस्तक है तो। इसके साथ ही देखिएगा, सेकंड पोर्शन जो है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और करंट अफेयर। जनरल साइंस के लिए कुछ, सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज के लिए। देखिए इसमें बेसिक जीके है आपका, सब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, संविधान, इकोनॉमिक्स, छोटे छोटे पॉइंट जो हैं इनमें कई आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए बेसिक जीके की कई किताबें आती है जिसमें ये जो जीके है ये सारा आपको एक साथ मिल जाएगा। जैसे एक तो KTC की आती है, किरण की, वो किताब भी अच्छी है जिसमें ओवरऑल सारा जीके हो, उसमें आपको साइंस भी मिल जाएगी। और इसके अलावा लूसेंट की भी बुक आती है एक सामान्य ज्ञान की,
उसमें भी आपका सारा जीके है, इसमें जो मेन मेन है भारत का, और ये ज्योग्राफी है, इसके अलावा जैसे इतिहास है, संविधान है, इकोनॉमिक्स है, मेन मेन फैक्ट जो हैं सब मिल जाएंगे आपको। तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस के लिए अलग से अगर आप पढ़ना चाहें तो 6 से 8 क्लास तक की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें आती है सामान्य विज्ञान के नाम से, वो आप खरीद सकते हैं, उनमें काफ़ी अच्छा मैटर है। और इसके अलावा अगर आप साइंस में अलग पढ़ना चाहें तो लुसेंट की भी सामान्य विज्ञान के लिए किताब आती है। बाकी जो आपको मैंने जनरल के लिए बताई है, इसमें इसके अंदर भी लगभग 1/3 पेज सामान्य साइंस के हैं, जनरल साइंस के, तो आप उसमें से भी पढ़ते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर के लिए। देखिए करंट अफेयर अगर आप मंथली कोई भी बुकलेट है मार्केट से, इसके लिए कोई सजेस्ट आपको नहीं करेंगे, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि बहुत मैगजीन आती है करंट के लिए। एक तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, और कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उससे लगभग 1 साल पहले तक का करंट पूछा जाता है। तो आप इसके लिए मंथली कोई भी मैगजीन आती है आप वो खरीद सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, वो सफिशिएंट रहेगी करंट अफेयर के लिए, उतना सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और ये वैकेंसी आने के बाद में और अभी लगभग 2-2.5 महीने बाद में तो जो समसामयिक होगा इस एग्ज़ाम के लिए वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड पोर्शन के लिए। तो इसके लिए अभी तो उन्होंने बताया है कि इनकी जो वेबसाइट है उस पर आपको मटेरियल मिल जाएगा कुछ, और इसके अलावा मार्केट में जब कोई भी एक बुक आती है, पतली सी आएगी जो भी, तो उसमें से भी आप ये एक्ट पढ़ सकते हैं, महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए एक्ट आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में आता है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी कल्चर आर्ट्स ऑफ राजस्थान। देखिए हालांकि राजस्थान के लिए पूरे मार्केट में खूब मैटर होता है, राजस्थान की सबसे ज़्यादा किताबें आती हैं मार्केट में, कुछ आपको ऑथेंटिक किताबें हैं वो सजेस्ट कर रहा हूँ इसमें। देखिए राजस्थान हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताब आती है जिसमें हिस्ट्री आर्ट कल्चर उनसे संबंधित है, वो हुकुमचंद जैन की, राजस्थान हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है हुकुमचंद जैन की, तो वो पुस्तक आप खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही राजस्थान ज्योग्राफी जो है उसके लिए भी हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, उनसे आपकी काफ़ी चीज़ें जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाएगी। और इकोनॉमी वगैरह है राजस्थान के, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको नहीं कहेंगे कि आप ये खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए, कोई भी एक गाइड जो मार्केट से आप खरीद सकते हैं आपकी स्वेच्छा पर है, लगभग एक जैसी है। ऑथेंटिक किताबें मैंने आपको बता दी हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की, इसके अलावा अगर आप कोई भी एक गाइड खरीदते हैं तो उसमें ये चीज़ें आपको लगभग एक साथ मिल जाएगी, जैसे इकोनॉमी के आंकड़े हैं राजस्थान के, पॉलिटी से संबंधित मैटर हैं, तो बाकी ये सब चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी। ये इतनी पुस्तकें जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट हैं, और कुल मिलाकर के लगभग 5-6 किताबें आपके बनेगी ये, और इन्हीं किताबों को आप बार बार रिविज़न करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, तो काफ़ी ज़्यादा चांस होंगे कि जो अंतिम रूप से चयन है वो हो जाए। तो इसके अलावा दोस्तों और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आज की जो जानकारी थी वो आपको हमने बता दी, ये आज का ही प्रेस नोट है। और बाकी यहाँ इस चैनल पे ये राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर ये जो पोर्शन है राजस्थान वाला, इसके काफ़ी वीडियो हैं, आप जब प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उसमें आपको ये राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर, कला संस्कृति, इन नाम से काफ़ी वीडियो मिलेंगे। समसामयिक की वीडियो लगातार बना ही रहे हैं वो भी काफ़ी मिल जाएंगे आपको, बेसिक जीके हो चाहे वो जनरल नॉलेज में, संविधान हो चाहे हिस्ट्री हो, सबसे संबंधित कंटेंट आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए जो सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।